हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का फाइनेंशियल अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारा टॉपिक है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो सबसे पहले इस टॉपिक का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का क्या मीनिंग है। जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है तो पार्टनरशिप फॉर्म की ये लायबिलिटी होती है कि वह एक्सटर्नल लायबिलिटीज आउटसाइडर लायबिलिटीज पे करे। इसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो पार्टनर्स को पे किया जाता है। तो यहां पर जैसा कि नाम है पीसमील, पीस मतलब होता है इनटू पीसेस एंड मील मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश मतलब होता है, तो पीसमील मींस इन पीसेस और इन इंस्टॉलमेंट। इसका रीजन क्या है? क्या पार्टनरशिप फॉर्म सारी लायबिलिटीज एक साथ नहीं पे कर सकती? ऑब्वियसली नहीं पे कर सकते। पार्टनरशिप फॉर्म एंड हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप फॉर्म के पास जो भी असेट्स होगी उसे धीरे धीरे बेचेंगे और धीरे धीरे लायबिलिटीज पे करेंगे। सारी की सारी लायबिलिटीज वन स्ट्रोक में पेमेंट नहीं की जा सकती, या पार्टनरशिप फॉर्म सारी की सारी लायबिलिटीज वन स्ट्रोक में नहीं पे कर पाएगी, उसे इंस्टॉलमेंट में पे करेगी। क्यों? क्योंकि जितना कैश अवेलेबल होगा उसी के हिसाब से लायबिलिटीज पे की जाएगी। जाहिर सी बात है, पार्टनरशिप फॉर्म के पास जो भी असेट्स होंगी उस असेट्स को पार्टनरशिप फॉर्म एक स्ट्रोक में नहीं बेच पाएगी, धीरे धीरे बिकेगा। इट विल टेक टाइम, मंथली, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, ऐसे जैसे जैसे असेट रिलीज्ड होगी या रियलाइज होगी वैसे वैसे पार्टनरशिप फॉर्म के पास कैश आएगा और उसी तरह से स्मॉल पीसेस में जो लाइबिलिटीज है वो पे की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम मीनिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीसमील मीन्स इन पीसेस और इन इंस्टॉलमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इन इंस्टॉलमेंट। देयरफॉर पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इन इंस्टॉलमेंट टू द वेरियस लायबिलिटीज इन अ पार्टनरशिप एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो जैसा हमने कहा, सेम मीनिंग में वो बात दिख रही है। तो पार्टनरशिप फॉर्म, व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म केम टू एन एंड, दैट मींस पार्टनरशिप फॉर्म गेट डिसॉल्व एंड एट दैट टाइम पार्टनरशिप फॉर्म मस्ट हैव टू पे द एक्सटर्नल लायबिलिटीज एंड एज वेल एज इंटरनल लायबिलिटीज। फॉर पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल लायबिलिटीज दे हैव वट एवर बी कैश अमाउंट अवेलेबल दे पे टू द फर्स्ट टू द एक्सटर्नल लायबिलिटीज then to the internal liabilities, but payment of all liabilities cannot be done at one stroke. For that purpose partnership firm must have to realize the asset, that means they sell the asset and as and when cash available they pay the external liabilities. So jaisa ki humne dekha ki partnership firm jo bhi cash available rahega उस कैश को लायबिलिटीज सेटल करने के लिए यूज करते हैं। तो हमें द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल कैश बाय सेलिंग द असेट्स। तो जैसे जैसे फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म असेट सोल्ड करेगी वैसे वैसे लायबिलिटीज पे करेगी, लेकिन उसका क्या होगा? एक ऑर्डर होगा। कैसे? सबसे पहले फर्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे ऑफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो हम कहेंगे क्या, रियलाइजेशन, या यहां पर लिखता हूं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ असेट्स,
जब पार्टनरशिप फॉर्म असेट को सोल्ड कर रही होगी उस वक्त जो एक्सपेंसेस इंकर्ड करेगी पार्टनरशिप फॉर्म, उस एक्सपेंसेस को कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब क्या, असेट सोल्ड करने के उसके लिए जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, कमीशन दिया होगा ब्रोकर को सेल करने के लिए असेट, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ब्रोकरेज कमीशन एडवर्टाइजमेंट ये सारे एक्सपेंसेस पे करने को पे किया जाएगा एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ असेट, उसे कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्राफ्ट करना होगा जो भी कैश अवेलेबल होगा, उसके बाद देन पे ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज लाइक एक्सटर्नल लायबिलिटीज लायबिलिटीज विच आर आउटसाइडर्स लायबिलिटीज आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो क्रेडिटर आउटसाइडर होता है, बैंक लोन आउटसाइडर होता है, बिल पेबल, यानी कि ये सब एक्सपेंसेस पहले पे करना होगा, ये सब लायबिलिटीज पहले पे करना होगा। देन पे ऑफ पार्टनर्स लोन इफ एन, अगर इसके बाद कुछ कैश अवेलेबल होता है या असेट फर्दर सोल्ड करने के बाद जो कैश आता है तो पार्टनर्स को का लोन पे किया। इसके बाद अगर सफिशियंट कैश अवेलेबल है पार्टनरशिप फॉर्म के पास तो फाइनल पेमेंट मेड टू द पार्टनर्स कैपिटल, तो फाइनल पेमेंट पार्टनर्स कैपिटल को किया जाए। सो यहां पर ये टॉपिक बहुत इजी है, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ समझना हमको क्या है कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होगा। तो अब हम देखेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज अभी अभी हमने देखा था, एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर द अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर्स अदर देन द पार्टनर्स। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स के अलावा, पार्टनर तो इंटरनल है उनका पार्टनरशिप फॉर्म है, लेकिन पार्टनर्स की यह लायबिलिटी है, यह जिम्मेदारी है कि जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है तो आउटसाइडर्स लायबिलिटी फर्स्ट पे करे। तो आउटसाइडर लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, तो ये आउटसाइडर्स लायबिलिटीज है। आउटसाइडर लायबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड लायबिलिटीज एंड अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज। तो जैसे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब क्या, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर दोज क्रेडिटर्स विच हैव सिक्योर्ड अगेंस्ट असेट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। कोई भी एक पर्टिकुलर असेट होगी, जैसे मान लिया जाए कि सिक्योर्ड क्रेडिटर को कहेगा, जैसे सिक्योर्ड क्रेडिटर में जैसे बैंक लोन मान लिया जाए, सिक्योर्ड क्रेडिटर को ले लेते हैं, उसको सिक्योर्ड क्रेडिटर बना देते हैं, और बैंक लोन पे करेगी पार्टनरशिप फॉर्म किसी एक पर्टिकुलर असेट के अगेंस्ट में। जैसे प्रॉब्लम में दिया रहेगा आपको कि बैंक लोन ब्रैकेट में लिख देगा सिक्योर्ड अगेंस्ट फर्नीचर या सिक्योर्ड अगेंस्ट मशीनरी, तो जिस असेट के अगेंस्ट में वो लायबिलिटी सिक्योर्ड होगी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, उस असेट को सोल्व करने पर उस पर्टिकुलर एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे कर देना है, तो उसको कहते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब इसमें भी सिक्योर्ड क्रेडिटर में भी दो टाइप के होते हैं, ये होता है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर और दूसरा होता है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। ये फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होता है, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब है कि फुल्ली द क्रेडिटर्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट द असेट प्लेस। जैसे मान लिया जाए, जैसे मैंने कहा बैंक लोन के लिए कहा गया मशीनरी की से पूरी तरह सिक्योर्ड होगा या स्टॉक से पूरी तरह सिक्योर्ड होगा, स्टॉक सोल्ड आउट करेंगे और पूरा का पूरा अमाउंट किसको पे कर देंगे, सिक्योर्ड फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर को। तो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर इज लायबल टू रिकवर हिज अमाउंट अगेंस्ट दैट असेट विच आर प्लेस्ड फॉर सिक्योर्ड फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर। और पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब कि पार्ट अमाउंट, जितना अमाउंट वहां पे मेंशन रहेगा कि ये क्रेडिटर इतना पार्ट ऑफ अमाउंट इस अगेंस्ट के, इस असेट के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है, तो वो असेट सोल्ड की जाएगी और जितना पार्ट अमाउंट उस क्रेडिटर को पे करना है उतना उसको हम पे कर देंगे, दैट इज पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। इसके बाद है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होता है, हम सिंपली कह सकते हैं क्रेडिटर विच आर नॉट सिक्योर्ड, क्रेडिटर्स विच आर नॉट सिक्योर्ड अगेंस्ट
any asset is known as unsecured creditors. So ये तो बहुत ही सिंपल है. ऐसा क्रेडिटर जिसको सिक्योरिटी नहीं है किसी भी असेट के अगेंस्ट में, तो क्रेडिटर विच आर नॉट सिक्योर्ड अगेंस्ट एनी असेट इज नोन एज अनसिक्योर क्रेडिटर. तो मैं इसमें भी थोड़ा सा लिखू तो थोड़ा सा बता देता हूं. देख लीजिए, अमाउंट पेएबल टू क्रेडिटर इज फुल्ली सिक्योर्ड is fully secured or covered by the asset placed. Asset placed मतलब जो asset इसके against में secured रखी गई है उसे हम कहते हैं asset placed. And he is liable to recover full amount of dues against that asset. जब वो asset sold की जाएगी तो पूरा amount वो रिकवर कर सकता है. ही इज एबल टू रिकवर द फुल अमाउंट व्हेन द एसेट आर प्लेस्ड या व्हेन द एसेट सोल्ड आउट. और यहां पे पार्टली में इसमें पार्टली मतलब इसमें हम कह देंगे पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर आर पार्टली सिक्योर्ड और कवर्ड बाय द एसेट प्लेस्ड. तो इसको हम कहेंगे यहां पे पार्टली सिक्योर्ड हो गई. क्या हो गई? पार्टली सिक्योर्ड हो गई अगेंस्ट द असेट प्लेस्ड. तो उसे हम क्या कहेंगे? पार्टली सिक्योर क्रेडिटर. नाउ हम देखेंगे अब आगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बारे में. तो आइए देखिए, अब हम देखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. मैं पहले बहुत थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होता क्या है. जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है तो जैसा हमने देखा अभी एक्सटर्नल पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेंगे, फिर आउटसाइडर लाइबिलिटीज दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पे करेंगे, फिर हमने देखा सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या है. ये हमने देखा सिक्योर्ड क्रेडिटर में, हमने देखा फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन होते हैं और पार्टली पेड सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन होते हैं. ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जैसा नाम है, प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफरेंस गिवन टू द क्रेडिटर्स. लेकिन ऐसे कौन से क्रेडिटर्स हैं जिनको प्रेफरेंस दिया जाएगा और कब दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा? बहुत ही सिंपल बात है. सबसे पहले आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ही पे करना है. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का मतलब नहीं कि इनको प्रेफरेंस देना है. पहले आप एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पे कर लेंगे, दैट मीन्स पहले आप सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर लेंगे, उसके बाद पार्टली जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनको पे कर लेंगे. हाँ, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को छोड़ देंगे फिर आप, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है. आप उसे क्यों पे करेंगे? उसे बाद में पे करेंगे. आपकी प्राथमिकता, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, उसी ऑर्डर में पे करना है. यहां पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मतलब कि पहले हम सिक्योर्ड जो है those creditors which are not secured. पहली बात तो secured नहीं होते हैं, but they get preference over the other unsecured creditors. यहां पे ध्यान देना होगा, ये secured नहीं है. लोगों को confused रहता है कि preferential creditor मतलब इसको preference देंगे तो payment करने लग जाते हैं. तो हमें payment नहीं करना है पहले. इसका मतलब ये होता है कि ये भी unsecured creditor है, लेकिन unsecured creditor को pay करने से पहले हमें preferential creditors को pay करना है. दो बातें कर रहे हैं आप कि इसे अनसिक्योर्ड भी कह रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि अनसिक्योर्ड को पे बाद में करना है, पहले इनको पे करना है. तो ऐसे कौन से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं जो अनसिक्योर्ड भी हैं और पेमेंट भी इनको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले करना है? तो एग्जांपल देखिए ध्यान से. अमाउंट ड्यू टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ इनकम टैक्स. आपकी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, वाइंडिंग अप हो रही है, तो आपको इनकम टैक्स जो भी पार्टनरशिप फॉर्म का है ड्यू वो पेमेंट करना पड़ेगा. कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी जो भी पार्टनरशिप फॉर्म का जो भी बिजनेस हो. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. कोई भी
गुड्स आया होगा उसका कस्टम ड्यूटी पे करना होगा, वो पे करना है। अगर जीएसटी यानी पे करनी है तो वो भी पे करना पड़ेगा। तो ये कौन है, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं। तो अनसिक्योर क्रेडिटर को पे करने से पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे कर दिया जाएगा, जिससे आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स, ज्यादातर आपको वर्ड्स आएगा प्रॉब्लम है आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स आएगा लेकर के। तो यू मस्ट हैव टू पे आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स फर्स्ट, देन आफ्टर आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग बैंक लोन, इस तरह से उसको ऑर्डर में पे करना होगा। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स किसे कहेंगे आप, इनको कहेंगे। सो इसके बाद हम देखेंगे आगे कि इंटरनल लायबिलिटीज क्या है। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं इंटरनल लायबिलिटीज। ये इंटरनल लायबिलिटीज क्या है, खास करके जब पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया हो तो होती है इंटरनल लायबिलिटी। लेकिन ये इंटरनल लायबिलिटीज पार्टनरशिप फर्म पे करेगी आफ्टर पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये ध्यान देना एकदम, एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे करने के बाद ही पार्टनरशिप फर्म इंटरनल लायबिलिटीज पे करती है, जैसे पार्टनर्स का लोन। तो पार्टनर्स का लोन जो होगा, अच्छा एक बात और जानना, पार्टनर्स वाइफ लोन, वाइफ लोन वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, लेकिन पार्टनर का लोन वो इंटरनल लायबिलिटी है, इस पर भी ध्यान देना होगा। तो याद दीजिए, इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, देन इट शुड बी पेड ओनली आफ्टर पेमेंट इज मेड टू द एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो इस बात को ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पेमेंट देने के बाद, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पेमेंट देने के बाद ही आपको पार्टनर्स का लोन पे करना है। यह है इंटरनल लायबिलिटी। इसके बाद जब पार्टनर का लोन पे कर दिया जाएगा तो एकदम एंड में पे किया जाएगा, अगर इफ एनी कैश अवेलेबल विथ पार्टनरशिप फॉर्म, देन पार्टनरशिप फॉर्म पे द रिमेनिंग बैलेंस टू द पार्टनर्स कैपिटल। जो भी कैपिटल पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया होगा उनके रेशियो में उनको पे कर दिया जाएगा, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा पार्टनर्स का। अगर कैश अवेलेबल है एक्सटर्नल लायबिलिटीज पेड करने के बाद, इंटरनल लायबिलिटीज पेड करने के बाद जो भी कैश पार्टनरशिप फॉर्म के पास अवेलेबल होगा, उस कैश को पार्टनरशिप फॉर्म किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, पार्टनर्स में, इन बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो देखिए यहां से यहां पे लिखा हुआ, लेकिन इसमें मेथड होता है रिपेमेंट का। तो मेथड ऑफ रिपेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, देयर आर टू मेथड ऑफ रिपेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। फर्स्ट है एक्सेस कैपिटल मेथड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सरप्लस कैपिटल मेथड, या क्वेश्चन मेथड, या हाइएस्ट कैपिटल मेथड भी कहते हैं इसको, ध्यान रखिए इसको। एंड दूसरा है मैक्सिमम लॉस मेथड। सो दोस्तों आपको बता दूं पहले मैं कि एज पर न्यू सिलेबस दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, सो हम इसे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, इसे सिलेबस से हटा दिया है। एज पर द न्यू सिलेबस दिस इज नॉट इंक्लूडेड, दिस मेथड इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। सो जस्ट मेरा मैंने बता दिया आपको ये सिलेबस में नहीं है। तो आपको केवल एक्सेस कैपिटल मेथड से रिपेमेंट करना होगा पार्टनर्स के कैपिटल को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो अंडर एक्सेस कैपिटल मेथड सरप्लस कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर इज डिटरमाइंड, कि उन्होंने कितना सरप्लस कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसे हम निश्चित करेंगे, उसे हम डिटरमाइन करेंगे, किससे डिटरमाइन करेंगे, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो अब हम इसके बाद देखने वाले हैं एक्सेस कैपिटल मेथड से पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है उसको किस ऑर्डर में पे करेंगे, पहले किस पार्टनर को पे करेंगे, फिर किस कैसे पेमेंट करेंगे रिपेमेंट कैपिटल का, और अंत में कैसे करेंगे, इसके बारे में हम देखने वाले हैं विद सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। सो आइए हम इसके बाद डिस्कस करेंगे एक्सेस कैपिटल मेथड के बारे में। सो आइए हम अब देखते हैं स्टेप्स टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम में दी गई जो बैलेंस शीट होती है पार्टनरशिप फॉर्म की, उसमें से जो पार्टनर्स का लायबिलिटी साइड में कैपिटल होता है उसे ले लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल एज पर बैलेंस शीट। लेकिन ध्यान रखिए पार्टनर्स का कैपिटल सम टाइम असेट में भी हो सकता है,
तो जो असेट में कैपिटल रहेगा वो निगेटिव कैपिटल होगा, उसे माइनस में रख लेंगे, और जो लाइबिलिटीज में होगा उसे हम पॉजिटिव कैपिटल लेंगे। इसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दैट इज ऑन लाइबिलिटी साइड, जैसे लिखा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है लाइबिलिटी साइड में, वो पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी है कि उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को उसमें ऐड कर ले कैपिटल में, और अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है तो दिया रहेगा असेट साइड में। ध्यान रखिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहां दिया रहता है, लाइबिलिटी साइड में, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस कहां दिया रहता है, असेट साइड में। ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, वो क्या कहता है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जो भी डेबिट बैलेंस रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो असेट में ट्रांसफर होता है, और कई लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं एकदम, तो जरा इसके लिए आप जरा सा 12th का रेफरेंस ले लीजिए तो आपको बराबर दिमाग में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इसके बाद डिफॉल्ट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी क्या करेंगे हम माइनस कर लेंगे, यह भी असेट साइड में दिया रहेगा, कहां दिया रहेगा असेट साइड में, रिमेंबर दैट ये भी असेट साइड में दिया रहेगा। इसके बाद करंट अकाउंट अगर लाइबिलिटी साइड में है तो उसे ऐड कर लो, पार्टनर्स का करंट अकाउंट अगर लाइबिलिटी साइड में है तो उसे ऐड कर लीजिए, वही पार्टनर का करंट अकाउंट अगर असेट साइड में तो क्या कर लीजिए लेस कर लीजिए। ड्रॉइंग्स असेट साइड में दी रहेगी मोस्ट प्रोबेबली, उसे आपको लेस करना है, और जमा रिजर्व बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिया रहेगा, इसे आपको क्या कर लेना है ऐड कर लेना है, ज्यादातर जमा रिजर्व को शुरू में ऐड कर लेना चाहिए। ये करने के ये प्रोसेस करने के बाद जो हमें मिलेगा होगा वो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर। एक बार आपको एडजस्टेड कैपिटल पार्टनर का मिल जाएगा तो उसके बाद एडजस्टेड कैपिटल के लिए क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में जाएंगे, वी फाइंड कैपिटल पर यूनिट। अब ये एडजस्टेड कैपिटल हमें मिल चुका है, अब हमें क्या निकालना होगा कैपिटल पर यूनिट, और कैपिटल पर यूनिट यानी कि उसको बोलते हैं यूनिट वैल्यू, तो यूनिट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड द एडजस्टेड कैपिटल बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा उससे क्या करेंगे जो एडजस्टेड कैपिटल पार्टनर का रहेगा, जैसे मान लिया जाए थ्री पार्टनर्स है ए बी सी, मैं जस्ट एडजस्टेड कैपिटल का एग्जांपल दे रहा हूं, मान लिया जाए ये 20,000 है, ये 10,000 है और ये 5,000 है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:2:1 है, तो हम क्या करेंगे ये जो एडजस्टेड कैपिटल है इसको हम 3:2:1 से डिवाइड कर देंगे, जो भी कैपिटल आएगा ये यूनिट वैल्यू आएगी, क्या आएगी यूनिट वैल्यू, 3 से डिवाइड किया जो भी आएगा ये यूनिट वैल्यू होगी, जैसे 6006 ये इतना आ जाएगा 6 से कुछ, ये डिवाइड करेंगे 5,000 हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे 1 से तो 5,000 होगा, तो ये यूनिट वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो यहां पर क्या करें वी फाइंड कैपिटल पर यूनिट, उसी को हम यूनिट वैल्यू कहते हैं, और यह यूनिट वैल्यू लेने के लिए या पर कैपिटल पर यूनिट प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड द एडजस्टेड कैपिटल बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमने यहां पे बताया कैसे। इसके बाद क्या कह रहा है थर्ड स्टेप में फाइंड द पार्टनर्स विद लोएस्ट कैपिटल पर यूनिट, इसमें बताइए लोएस्ट कैपिटल पर यूनिट क्या है, तो लोएस्ट कैपिटल चलो इसमें देखेंगे तो हम ये दोनों सेम आ गया, तो मुझे क्या लेना चाहिए एग्जाम्पल में सपोज दैट में से 15,000 कर देता हूं तो 1 से डिवाइड करने पे 15 हो गया। अब मुझे बताइए इसमें लोएस्ट कैपिटल का ये 5,000 है देखो बी का, तो मैं क्या करूंगा लोएस्ट कैपिटल को ये 5,000 को इससे इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पे देखिए ध्यान से क्या कह रहा है टेक लोएस्ट कैपिटल एज बेस, तो ये लोएस्ट कैपिटल इसका हुआ, डिवाइड करने के बाद 3:2:1 से ये 20,000, 10,000, 15,000 कर दिया मैंने, और इसे डिवाइड करने में मुझे ये यूनिट वैल्यू मिली, सबसे कम यूनिट वैल्यू किसकी है बी की है, तो इसको मैं बेस करूंगा और 5,000 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा 2 से करूंगा 3 से करूंगा, तो ये कैपिटल हमें मिलेगा क्या द लोएस्ट कैपिटल एज बेस एंड फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये मिलेगा मुझे कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो ये फोर्थ स्टेप में एडजस्टेड कैपिटल को इस तरह से डिवाइड करने के बाद मिनिमम जो कैपिटल होगा लोवेस्ट कैपिटल इस पार्टनर का होगा उसको हम बेस लेंगे और रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा ये, और एडजस्टेड कैपिटल में से ये जो
कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे हमने कहा यहाँ पे देखो, यहाँ पर फाइंड आउट द अदर पार्टनर्स कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, थर्ड स्टेप में बताया। वही कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम एडजस्टेड कैपिटल से माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा एक्सेस कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। ये देखिए, इसके बाद अगेन हमें फिफ्थ स्टेप में क्या करना होगा, यही प्रोसेस फिर से करना होगा। हम फिर से क्या करेंगे, जो हमारा ये एक्सेस कैपिटल मिला है उसमें हम क्या करेंगे, कैपिटल पर यूनिट फिर से फाइंड आउट करेंगे, फिर से हम पार्टनर के जो रेशियो से इसको डिवाइड करेंगे, फिर हमें मिलेगा क्या, लोवेस्ट कैपिटल। फिर हम इसी तरह से कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो किसी भी किसी पार्टनर का नहीं हो जाएगा कैपिटल, ऐसे एंड में जाकर के किसी एक पार्टनर का कैपिटल कुछ बचेगा। तो मैं जरा आगे की स्टेप में बता देता हूं, सेम प्रोसेस है तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। सो डियर फ्रेंड्स, अब हमारे आगे का स्टेप जो देखो, चार स्टेप जो पहले बताया गया वो चार स्टेप फिर से रिपीट होने वाले हैं। ये जरा आपको एक बार बता दूं मैं आपको, जो फोर्थ स्टेप था ना, ये जेड का कैपिटल जो हमने यहाँ पे बैलेंस लिखा था ना, वो मिल कर देना, तो जरा सा मुझसे गलती हुई थी। तो जेड का कैपिटल पहले ही मिल हो चुका है, वहां पे जो हमने अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ ना फोर्थ स्टेप में, उसे मिल कर लेना आप लोग बस। अब सेम वही स्टेप फिर से हमने जो सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप लिया था, वही स्टेप है ये तीनों फिर से। अगेन डिवाइड द एक्सेस कैपिटल टू फाइंड आउट यूनिट वैल्यू इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा पार्टनर्स का, हम क्या करेंगे, एक्सेस कैपिटल निकालने के लिए फिर से हम सेम वही काम करेंगे। फिर स्टेप सिक्स में फाइंड आउट द लोवेस्ट कैपिटल, फिर से हम लोवेस्ट कैपिटल लेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, पर यूनिट टेकिंग बेस्ट कैपिटल ऑफ लोवेस्ट वैल्यू, जिस पार्टनर का भी जो लोवेस्ट वैल्यू रहेगा कैपिटल का, उसको हम बेस लेकर के फाइंड आउट एक्सेस कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो मैंने स्टेप में बताया था आपको। तो फिर से एक्सेस कैपिटल जो बचा हुआ है वो हम लेकर आएंगे, जैसे इसका तो नील हो चुका था भाई, तो इसको नील ही कर देना चाहिए था ना, ये नील है, हाँ बराबर ये नील है पहले से, तो नील है ये, जो स्टेप फोर्थ में नील हो गया जेड का कैपिटल। अब फिर से हमने डिवाइड किया, तो जब इसका कैपिटल नील हो गया तो इसको हमको देना ही नहीं है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भी एक्स और वाई का रहेगा, तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बचा रहेगा उससे एक्स और वाई के रेशियो से कैपिटल को डिवाइड कर लेंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाएगा। ये पे कर लेस करके समझो वाई का भी नहीं होगा, अब खाली बचा किसका है, एक्स का। ये स्टेप फिर से याद रखिए, सेकेंड थर्ड और फोर्थ स्टेप ही है ये, इसमें कुछ भी नया पद नहीं है, वही स्टेप है। हमें लास्ट में क्या डिसाइड करना होगा, स्टेप एट में ऑर्डर ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले आप किसे पे करोगे, जिसका एक्सेस कैपिटल बचा, किसका बचा है यहां पे, एक्सेस कैपिटल कहेंगे इसको भाई, एक्स का एक्सेस कैपिटल, एक्स का इतना कैपिटल बचा हुआ मतलब एक्स को सबसे पहले पे करेंगे। अच्छा, ये कब पेमेंट करेंगे, सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पे कर लेने के बाद, सारी इंटरनल लाइबिलिटीज खत्म कर लेने के बाद, लास्ट में किसको पेमेंट किया जाता है, पार्टनर्स को। लेकिन पार्टनर्स को पेमेंट करते वक्त ऑर्डर ऑफ पेमेंट डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। उसमें सबसे पहले ये जो हमने पूरा मेथड देखा, ये प्रोसेस देखा, उसमें जो जिस पार्टनर का कैपिटल लास्ट में एक्सेस होगा सबसे पहले उसे पे करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो बैलेंसिंग रहेगा वो कैपिटल पे करेंगे किसको, एक्स एंड वाई को, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड फाइनली पे टू ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद जो है उनके प्रॉफिट, जो भी कैपिटल हमारे पास, जो भी कैश अवेलेबल होगा, जो भी हमारे पास कैश अवेलेबल होगा, हमारे पास मतलब पार्टनरशिप फर्म के पास जो भी कैश अवेलेबल होगा, फिर वो फाइनली पे करेंगे ऑल पार्टनर्स को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो दिस इज द मेथड और स्टेप्स यूज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स हाउ टू कैलकुलेट एक्सेस कैपिटल। तो ये प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाया जाएगा जिसमें ऑर्डर ऑफ पेमेंट डिसाइड किया जाएगा, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, इसी को हम कहते हैं पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, हाउ टू प्रिपेयर एक्सेस कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, एक सिंपल एग्जाम्पल। इसके बाद हम एक अच्छे और भी से बेहतर एग्जाम्पल देखेंगे, बट आपको पहले मैं, हमने जो स्टेप बताया पहले उसको हम लेके आते हैं। देखिए, ये पार्टनर्स का जो कैपिटल दिया है बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिया होगा, और यहां बोला पार्टनर शेयर, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एज 3:2:1,
तो हम पहले सिंपल एक स्टेटमेंट बनाते हैं, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, सॉल्यूशन दे रहा हूं इसका आपको, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। अब हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है भाई, चलो मैं बना लेता हूं पर्टिकुलर्स, ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दे रहेगा, तो मैं इसे लिखूंगा ओपनिंग कैपिटल। ए का कैपिटल 75,000, बी का 1,00,000, सी का 30,000। अब मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में क्या बताया था, फॉर्मूला दिया था मैंने कि आपको पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल एज पर बैलेंस शीट लेना है, इसके बाद उसमें ऐड करना है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को लेस करना है, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेस करना है, ऐड करना होगा करंट अकाउंट को अगर क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि लायबिलिटी साइड में दिया है, यह फॉर्मूला में दिया था, जनरल रिजर्व को ऐड करना है। लेकिन फिलहाल इस प्रॉब्लम में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम वो प्रोसेस नहीं करेंगे, हमने फर्स्ट स्टेप में जस्ट हमने क्या लिया, कैपिटल ले लिया, तो यह हमारा डायरेक्टली एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगा। इसके बाद हमने सेकेंड स्टेप में क्या बताया था कि उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस कैपिटल को डिवाइड करेंगे, तो हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भाई, 3:2:1, ये देखिए 3:2:1। अब मैं इस कैपिटल को डिवाइड करूंगा, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 3:2:6:3:5:15, 1,00,000 को डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 50,000, और मैं 1 से डिवाइड करूंगा 30,000 को तो ये 30,000 ही आएगा। ये डिवाइड करने पर ये हमें मिल गया यूनिट वैल्यू, यूनिट वैल्यू। ये क्या मिला हमें, यूनिट वैल्यू मिला। यूनिट वैल्यू मिलने के बाद हमें क्या कहा था कि टेक पार्टनर्स कैपिटल जो यूनिट वैल्यू है उसकी हम सबसे लोवेस्ट वैल्यू लेंगे, तो लोवेस्ट वैल्यू यहां पे क्या लिख रहा है, 25,000। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था फाइंड आउट द पार्टनर विद लोवेस्ट और मिनिमम कैपिटल, तो हम मिनिमम कैपिटल किसका है 25,000। अब इस 25,000, 50,000 और 60,000 में सबसे मिनिमम कैपिटल किसका है, ए का है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करने के बाद, तो ए का कैपिटल लोवेस्ट है, तो इसको हम लेंगे एज अ बेस एंड मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 और 1 से, और वही हम लेस कर देंगे, तो हम क्या कहेंगे यहां पर, लेस पीस कैपिटल टेकन एज बेस, सॉरी एस कैपिटल, एस कैपिटल टेकन एज बेस, क्यों, लोवेस्ट कैपिटल है, कौन सा कैपिटल है, लोवेस्ट। अब हम क्या करेंगे यहां पर 25 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 75,000, 25 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 50,000, 25 का मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 25,000। इसको हम क्या करेंगे, लेस कर लेंगे, 75,000 में से 75,000 माइनस हो गया, लेस के लिए अगर हम चाहे तो हम इसे ब्रैकेट में दिखा सकते हैं ऐसा, तो 75,000 में से 75,000 माइनस करो, ये नील हो गया, 1,00,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50,000 बचेगा, 30,000 में से 25,000 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 5,000, तो एकदम क्लियर है। अब जो ये बचा ये क्या आ गया, एक्सेस कैपिटल आ गया, क्या आ गया, एक्सेस कैपिटल। अब अगेन हम क्या करेंगे, जो स्टार्ट हमने बताया था फिर से वही स्टेप आ जाएगा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। अब बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बचा है, 2:1 बचा है, तो हम इस ए तो खत्म, ये 2:1 से डिवाइड करेंगे इसको, जब डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आएगा, यूनिट वैल्यू आएगा, ये देखिए यूनिट वैल्यू आ गया। समझने के लिए सबसे सिंपल प्रॉब्लम है, आगे आप बहुत आसानी से फिर बड़े प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं, तो भाई ठीक है, यहां पे लीजिए 2 से डिवाइड करो इसे, कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 25,000 आएगा, फिर 1 से डिवाइड करो ये 5,000 आएगा।
अब इसमें लोवेस्ट किसका कैपिटल हो गया भाई, सी का कैपिटल लोवेस्ट हो गया दोनों में से। डिवाइड करने के बाद देखो, टू से इसको डिवाइड किया इतना आया, वन से इसको डिवाइड किया इतना आया 5000। तो दोनों में से किसका कैपिटल लोवेस्ट है, सी का कैपिटल लोवेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, लेस। सीज कैपिटल टेकन एज बेस बींग लोवेस्ट, बींग लोवेस्ट तो ठीक है, हम बेस ले लेते हैं और पेमेंट करते हैं, तो ये तो खत्म हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे, 5000 का 1 से मल्टीप्लाई करो 5000, 5000 का 2 से मल्टीप्लाई करो 10000। अब माइनस करने के बाद जो आएगा वो बचेगा बैलेंस ड्यू या एक्सेस कैपिटल, एक्सेस कैपिटल ये तो नील हो गए। 50000 में से 10000 गया 40000, और ये 5000 में से 5000 गया नील हो गया। अब लास्ट में किसका बचा, खाली एक ही पार्टनर का। जब एक पार्टनर का बच जाए तो फिर ये स्टेटमेंट खत्म हो जाता है। अब ये स्टेटमेंट खत्म हो गया, इसमें हमें लिखना होगा ऑर्डर ऑफ पेमेंट, सबसे मेन है ऑर्डर ऑफ पेमेंट। तो अब हम लिखेंगे यहां पे ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ठीक है भाई, ठीक है। सबसे पहले किसको पे किया जाएगा, जिसका लास्ट में बैलेंस बचा है उसको, तो फर्स्ट टू पे बी एज रुपीज 40000। सबसे पहले हम बी को क्या पे करें, एक बी को पे करेंगे 40000। सेकेंड स्टेप देन टू पे पे बी एंड सी, बी एंड सी एज रुपीज 10000 एंड 5000 रिस्पेक्टिवली इन प्रॉफिट्स, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड थर्ड स्टेप देन टू ऑल पार्टनर, देन टू ऑल पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2:1। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ पेमेंट, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। सो दोस्तों होप सो कि इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, और जो भी मैंने इंट्रोडक्शन में थ्योरीज कंप्लीट की है इसकी, हाउ टू कैलकुलेट एक्सेस कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, मीनिंग ऑफ पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो भी बातें मैंने आपको सिखाई, होप सो कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और फर्दर एग्जाम्पल के साथ, जैसे प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल का बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था, हम और भी बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ अगले वीडियो में एटलीस्ट मैं कम से कम 2 से 3 प्रॉब्लम उसमें कराऊंगा, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट एक्सेस कैपिटल को लेकर एकदम क्लियर हो जाए, जरा भी डाउट ना रहे दिमाग में। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपको 3-4 एग्जाम्पल्स और अच्छे कराऊंगा एक्सेस कैपिटल मेथड के, और उसके बाद हम फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का स्टेटमेंट देखेंगे उसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज, अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के बाद, लेक्चर समझने के बाद आप कमेंट में लिखें, सुझाव दें अपना, ताकि और इम्प्रूवमेंट किया जा सके, और आपके सामने अच्छी तरह से मैं SY BCOM के फाइनेंशियल अकाउंटेंसी एंड मैनेजमेंट के लेक्चर्स को रख सकूं, और बहुत सारे टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।